अरे धीरे बैल नहीं बजा सकती थी, मेरी पूरी नींद खराब कर दी। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? और ये दवाइयों का थैला इतना बड़ा उठा ला, ये तो अस्पताल ही खोलना वैसे। पांच हजार का बिल, ये तो मेरे बेटे को लुटवा के रहेगी। चल फोन रख। अरे आप आ गए, एकदम नॉर्मल है। और अरे छोटू तुझे कितनी बार समझाऊंगा, पार्टी वेट कर रही है। अरे आप माल चेक करके कॉल कर देना। चलो रखो। लगता है आपके पास बहुत सारा काम है। और दोस्तों ऐसे बनते हैं पराठे, तो घरेलू किचन बाय आरती। ये अजीब शौक लगा दिया तूने अपनी औरत को, दिन भर खाने की वीडियो बनाती रहती है और कुछ काम ही नहीं है इसको। ऐसे भी इसे कुछ करने को तो होता नहीं है, इस बहाने ये तो बना के देगी। ऐसा क्या जश्न है आज जो इतना तेल मसाले वाला खाना बना रखा है? क्या बदतमीजी है, बैठो। ओ बाबूजी आज हमारी छठवीं सालगिरह। अरे तुझे शर्म नहीं आती बोलते हुए छठवीं सालगिरह? अरे सालगिरह वालगिरह वहां अच्छी लगती है जहां छोटे छोटे बच्चे हो। इस घर को शमशान जैसा बना रखा तुम लोगों ने। बच्चे होना ना होना हमारे हाथ में क्या, हम लोग भी परेशान है। परेशान है? सुबह सुबह तेरी बीवी 5,000 की दवाइयां ले आई है। अपनी खुशी के लिए लाई हूँ ना दवाइयां, मतलब देख रहा तेरी बीवी का क्या? बाबूजी आप भी ठीक से खाने भी नहीं देते, और तुम दोनों ने ना घर में कलेश मचा रखा है। और एक ये मैडम, और हाँ शादी भी तो आपने ही कराई थी मेरी, इससे इतना सारा दहेज मिला था भुगत साथ में मेरी जिंदगी में बर्बाद कर तुमने। बीवी को तो कुछ बोल नहीं पाता है, चोर का गुलाम। शाही चाप बनाना सिखाई थी। ये क्या बदतमीजी है, एक तो बाहर हरकत करके आई है और यहाँ टसवे मार रही है। यही सिखाएंगे तेरी माँ ने तुझे? तुम्हारे पापा हमेशा मुझे ताने देते रहते हैं, एक तो पूरा दिन सर की सेवा करते हो, वो पूरा दिन बच्चा बच्चा। अरे बाप है वो मेरा, और वो क्या दुनिया का हर बाप ये बोलेगा, संसार से मेरी कोई औलाद नहीं हुई है। अब तो पूरी बिरादरी भी मुझे ताने मारने लगी है, अगर रास्ते में जाता हूँ तो दोस्त के लिए भी का पता देते हैं। पर अगर तो मेरी क्या गलती है, मैं दिन रात कोशिश करती हूँ कि तुम्हारा पापा कोई कम ही ना। अरे कोशिश, अगर 5 मिनट में तेरा सब ड्रामा बंद नहीं हुआ ना तो तेरी वो हालत करूंगा जो किसी ने की ना हो। और सही कहते हैं लोग, जो औरत खाने के टाइम पे अपने मर्द को परेशान करती है वो चुड़ैल होती है, बांस गई थी सारी। मिलन का कॉल आया था। क्या हुआ? मिलन ठीक तो है? उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। अच्छा, डॉक्टर ने बोला है कि 2 बच्चे हैं, तो मिलन कहने लगा कि 1 बच्चा तू ले लियो। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे क्या खाक अच्छी बात है, मेरे बेटे के दिमाग में जहर घोल रखा है, कमी खुद में है और मेरा बेटा पूरी सोसाइटी के सामने मुंह झुका के घूमता रहता है। कितनी बार कहा है अगर तेरी एक दिन शादी के लिए बोलूंगा ना 50 लड़कियां खड़ी होंगी, अबू से छोड़ दे। अरे बाबूजी बस करो, कल की तरफ सुनो मत हो जाओ। ये अपनी बीवी को तो कुछ कह नहीं पाता है, इसे तो हमेशा अपना बाप भी गलत लगता है। अबे तेरे को बचपन से पाला है मैंने, तू उसे बाप की कोई इज्जत ही नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, अगर कोई हमें अपना बच्चा दे रहा है तो आरती मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए, उसे अपना बच्चा चाहिए। डॉक्टर के पास गई थी, क्या हुआ? वो रघु मेरी रिपोर्ट तो नॉर्मल आई है, पर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। हो सकता है कि कोई छोटी मोटी माइनर प्रॉब्लम हो, वो सॉल्व। बदतमीज, हैं? अपनी गलती मेरे को बता दिया, एक तो तूने पूरे जग में मेरी हंसाई करवा दी है, और तुझे बताता हूँ।
सारी जांच करी की है? मेरे में कमी निकाल, मैं कमी निकालती है, है? तुझे बताती हूँ अभी। प्रभु हट जा, प्रभु अरे बेटा हट जा, चल हट जा, है तो ये जान के ही काम है। गलती मेरे को, एक तो तूने पूरे जल में मेरी हंसाई, कमी खुद में है और मेरा बेटा पूरी सोसाइटी के सामने मुंह चुका कितनी बार कहा है। और रघु ने तो कहा इस पांच बार तू छोड़, अगर तेरी अपनी शादी के लिए बोलूंगा ना 50 लड़के बनेंगे, तू इस पांच गांव के सरकार का क्या 6 साल से ऐसे ही ऐसे बड़ी उसे छोड़ा निकल रहा रघु। अरे सुन मेरी बात सीधा, दिन भर पीपा के पड़ा रहता है, मैं कहता हूँ वो तो बहुत मोटी चमड़ी की है, उसके घर वालों को फोन कर और उसको बोल कि हमें तुम्हारा डिफेक्टिव मांगनी चाहिए, 6 साल हो गए उसे झेलते झेलते। अरे लगा ना फोन। ठीक है बाबूजी, उसके भाई को कॉल लगाता हूँ। अरे हाय होलो भाई, तेल लेने आप एक काम करो, फटाफट यहाँ पे आओ, अपनी बहन को लेके जाओ, उसने मेरे और मेरे बाप को परेशान करके रखा है। अरे क्या बताओ, रोज के नए ड्रामे। अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगा, अच्छा हुआ है कचरा निकल ही जाए जितनी जल्दी हो सके। अरे जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती वो क्या औरत है। मोदा जी नमस्ते। अरे क्या खाक नमस्ते, जाओ अंदर तमाशा चालू है। आ गए खाली यार, बहन के घर हाथ जुलाते हुए। पति तुम्हारा यहाँ के रोज रोज के ड्रामे से मैं परेशान हो गया हूँ। भैया रघु मुझे बहुत मारता है, मुझे प्लीज घर ले चलिए। पर मैं तुम्हें कहां लेके जाऊंगा, मेरी खुद की बीवी है, मेरे दो बच्चे हैं, मेरे अपने खर्चे हैं। भैया बचपन में तो आप कभी मुझसे परेशान नहीं आते थे। अपने पति से और अपने ससुर से माफी मांगो। चलो अब तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी बहन मर गई है। अरे बहू कहां आ गई, अरे कोई शर्म वरम है कि नहीं है तुझे, अरे मुझे चाय वाय पिलाएगी नहीं पिलाएगी, अरे देख घर कितना बिखरा पड़ा, अरे साफ सफाई कर ले। मुझे लगता है तेरे को कल की मार ऐसे नहीं पड़ी, अभी रघु को बुलाता हूं। अरे खड़ा हो, देख रहा तेरी बीवी को, काम काज कुछ कर नहीं रही है और चाय भी पी रही है, अकेले बैठ के पी रही है और मूर्ति बन के बैठ रही है हर जगह। अरे बाबू जी नौटंकी कर रही होगी। अरे कैसा बेटा पाल रखा है मैंने, भी नौटंकी कर ले क्या ना ड्रामा तुम्हारा, कल की मां से पेट नहीं भरा क्या, और ये घर की क्या हालत बना रखी है, फटाफट ये साफ करो। अगर तुम्हें घर से बाहर फेंकेंगे ना तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, और अब तो वैलिड रीजन भी है हमारे पास, अभी लॉयर के पास जाता हूं। ये नया क्या ड्रामा लगा रखा है। ठीक है जो मन में आता करो। सर्विस भी दिखाऊंगी और मेरे हस्बैंड के रिव्यू भी दिखाऊंगी। I'm very excited. कल ठिकाने आ गए उसके? मुझे तो अभी भी शक है बेटा। ऐसे छोटे ड्रामों से मैं नहीं डरता। तो आप लोग मुझे जरूर बताइए। क्या बदतमीजी है? इतना ज्यादा नमक? कहीं टेस्ट हुआ तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाएगी। साली, लगता है कल की दोस्त तुझे कम कर गई। तुझे अभी बताता हूँ, मुझे कम निकालेगी। मुझ में अभी चाहूँ ना, अभी 1000 औरत के साथ बच्चे पैदा कर सकता हूँ।
कल भी जाकर लॉयर को तुझे डिवोर्स दूंगा, ये बताएगी। कैसी औरत है तू, यहां बैठ के और बात कर रही है? मेरे बेटे को जेल पहुंचाकर उसकी वीडियो बनाकर पूरी जगह पे वायरल कर दिया। कैसी औरत है का क्या मतलब? याद नहीं, दिन रात आपका बेटा और आप मुझे कहते रहते थे कि जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती वो तो औरत ही नहीं होती। क्या हो गया तुझे? अकल आ गई है मुझे। मेरा भी नाम है, मैं इसलिए बना लिया। ओके अभी भी टाइम है, मैं निकलता हूँ अपने गाँव।